देखिए, ये तो सिलेक्शन कमेटी से क्वेश्चन करना चाहिए, जो सिलेक्टर्स हैं उनसे के क्या क्राइटेरिया है। मेरे नज़दीक तो यही है कि जो परफॉर्मेंसेज हैं, जो बंदा परफॉर्म करता है वो ही सिलेक्ट होता है। लेकिन ठीक है, अगर उनको बेहतर लगता है या उनकी इसके पीछे कोई सोच होगी तो बेहतर वही बता सकते हैं, लेकिन एज अ प्लेयर आई एम डिसअपॉइंटेड। वहाब मिकी एक जाते हुए बात बोल गया था कि वहाब ने पाकिस्तान के लिए मैच कोई नहीं जीता। आपकी रिसेंट परफॉर्मेंस जो PSL में हमने देखी है, आपने मैचेस भी जितवाए हुए हैं, तो आपको लगता है कि शायद वही टैग मौजूदा मैनेजमेंट भी साथ लेके चल रही है और आपकी करंट परफॉर्मेंस भी देख रही है? देखिए, मेरा ख्याल है कि परफॉर्मेंसेज जो है ना, एक मैन ऑफ द मैच होता है, लेकिन याना लोग खेलते हैं। ज़रूरी नहीं कि जिसको मैन ऑफ द मैच मिले वही मैच जितवाता है। मेरा ख्याल है याना प्लेयरों की मेहनत होती है, याना प्लेयरों की जो है वो कोशिश होती है जिससे आप मैचेस जीतते हैं। और जहाँ तक रहेगी मिकी की बात, अगर मैं मैच विनर नहीं था तो मिकी को मुझे वर्ल्ड कप के लिए बुलाना नहीं चाहिए था। देखिए जी, अभी तो स्टिल यंग, अलॉट टू ऑफर। 3-4 साल में देख रहा हूँ अपने आप को, डिपेंडिंग अपॉन माय फिटनेस, डिपेंडिंग अपॉन माय परफॉर्मेंस। किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता, जब तक परफॉर्म कर रहा हूँ, जब तक फिट हूँ तब तक खेलना चाहता हूँ। अच्छा वहाब, ये बताएंगा कि सीनियर्स के साथ काफ़ी जो है वो नार्वा सा सलूक हो रहा है, मतलब शुएब मलिक भी हैं, वो भी काफ़ी अच्छे से टीम से बाहर हैं, परफॉर्मेंसेज भी उनकी अच्छी रही हैं, तो क्या समझते हैं ये जानबूझ के ऐसी चीज़ हो रही है या एक क्या ये सिर्फ ये यंगस्टर्स को ही मौका दिया जा रहा है? देखिए, ये एग्जैक्टली नहीं कह सकता कि सीनियर्स का क्या इशू है। हो सकता है कि यंगस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा आराम से बात मान जाते हैं, और सीनियर्स जो हैं उनकी शायद से होती है जिनके बारे में, जिनको मेरा ख्याल है कि आपको कन्विंस करना पड़ता है, क्योंकि एज अ सीनियर आपने काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट भी खेली होती है। लेकिन एंड ऑफ द डे आपको टीम प्लान जो है उसी को देखना पड़ता है कि टीम प्लान में कौन आता है, कौन बेहतर है। बट आई स्टिल थिंक शुएब मलिक इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन मिडल ऑर्डर, और उन्होंने इस PSL में भी वो शो किया है। जी देखिए, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता, मैंने भी बस मीडिया पे ही पढ़ा कि क्या सीन है। मेरी हसन से भी बात नहीं हुई, यूनुस भाई से भी बात नहीं हुई, तो इस पे तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। और जहाँ तक रह गई बात, जिस तरह आप कह रहे हैं कि सीनियर्स के दुनिया, हाँ तो अभी देखिए मेन टूर्नामेंट रहता है, सीनियर्स प्लेयर्स आ जाएंगे, दुनिया बुलाती है तो पाकिस्तान भी बुला लेगा। कितने पूर्व उम्मीद है, जाहिर है इंग्लैंड में तो आप बाहर हैं, वेस्ट इंडीज में T20 PSL के आप जिस तरह अभी सुहेल भाई ने कहा विकेट, हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, तो कितनी उम्मीद है आपको कि आप T20 में UAE की कंडीशन में इन एक्शन दिखाई देंगे? देखिए, मैं अपनी मेहनत से कभी भी जो है ना, वो मैं अपनी मेहनत पे बहुत ज़्यादा यकीन करता हूँ, और मैं अपनी मेहनत करके, अपनी परफॉर्मेंस करके मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। मेरा वो बिलीव है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। और अभी रिसेंटली एक मैसेज आया था कि जब आप अल्लाह से दुआ करते हैं, और उसके 3 मतलब होते हैं, या तो वो फौरी मिल जाता है, या उसमें कुछ टाइम दरकार होता है, और या फिर अल्लाह ने उससे बेहतर सोचा होता है। तो देखते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए क्या बेहतर सोचा, लेकिन मुझे यकीन है मुझे मेरी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। देखिए, मेरा कोई भी दूसरा प्लेयर मेरा हक नहीं ले सकता। अगर मेरी किस्मत में है, अगर अल्लाह ने मेरे लिखा हुआ है, तो वो मुझे ज़रूर मिलेगा। मैं किसी के ऊपर ये नहीं कह सकता कि ये गलत आया और ये सही आया। मेरा ख्याल हारिस आया, उसने परफॉर्म किया, खेल रहा है, अभी भी परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अच्छे बुरे दिन सारे क्रिकेटर्स के होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उनको उनको एक साइडलाइन कर दें या उनके बारे में ये सोचें कि वो कुछ ऑफ़र नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि इनको पता है, सबको पता है कि कौन प्लेयर क्या ऑफ़र कर सकता है, किस प्लेयर की किस टीम में किस जगह पे पोजीशन बनती है। ये तो फैसला उनके हाथ में है जिन्होंने लिखना है। सो बेहतर है कि ये सारे क्वेश्चन उनसे किए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर तरीके से जवाब देंगे। बट हारिस के लिए दुआएँ, और इंशाल्लाह वो परफॉर्म करेगा। यार, ही इज़ अ गुड प्रोस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान, नो डाउट। PSL का बेस्ट बॉलर होना, जारी बात है परफॉर्म करना, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। इस दफ़ा मेरे से फिर वो नंबर ले गया, हर दफ़ा ही कोई ले जाता है, लेकिन रियली हैप्पी फॉर हिम। और इंशाल्लाह उसमें वो टैलेंट है, बस उसको अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए। उसको मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा डोमेस्टिक क्रिकेट और खेलनी चाहिए, मेच्योर करके हमारे प्लेयर्स को लेके आना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक से जब आप इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं तो उसका प्रेशर टोटली डिफरेंट होता है। तो जो बंदा वहाँ पे आके वो प्रेशर ऑब्जर्व कर लेता है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है और बड़ा स्टार बनता है।